कुल मिला के एक बात हो रहती है कि रणदीप सिर व्यापारी है, ब्रीडिंग का इसको कोई नॉलेज नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं देखो हाँ अपने अपने फील्ड में। हाँ बात आओ कि अजय बिंद्रोली तो वीडियो क्यों नहीं बनवाता शरीर में। कौन हाँ मैं? हाँ उसके बाद आओ है रणदीप सरनाथ जी, कितना बूस्टिन यूज कर लिया, आज दो चार दिन की बह तक नीचे 16 किलो दूध बना दिया। अगर हम बाहर से कसर रह जाती है, जैसे 6 भैंस मेरे से ले ली, 4 बार से लेनी है, ग्राहक का घूमने का मन होता है ठीक है, तो भी तब भी मैं अच्छी चीज लेने देता हूँ। हल्की भैंस होती है तो मैं लेने नहीं देता, ग्राहक को लेने चाहे देता 10 हजार चाहे महंगी मिले। तो फैन फॉलोइंग की बात की थी कि हर व्यापारी तय हट करके आपके अलग फैन क्यों हैं, आपकी क्या चीज पसंद कर रहे होंगे। देखो के बाद सवाल आते हैं कि रणदीप भाई साहब ठगी का खाओ है। सबसे पहले बात आवे है कि रणदीप भाई साहब ने आज तक कमाया कितना है जो इतना बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया। तो हाँ जी राम राम भाई, सारे छोटे बड़े ने मेरे पिता तुल्य जितने उन्होंने देखने वाले, मात्र शक्ति जितनी अपनी देखने लाग रही है, तो सब ने राम राम है, नमस्कार है, सत श्री अकाल है। तो देखो लगातार डिमांड थी कि रणदीप भाई की वीडियो कवर करें, मतलब बहुत टाइम हो गया तो सेशन भी लेट होने लग रहा था अपना, तो आज फिर एक नया सेशन लेके आए भाई रणदीप भाई के पास से। खांडा फार्म पर फिलहाल अवेलेबल हाँ, जो जींद से लगभग मिला के 20-25 किलोमीटर की दूरी है। तो लगातार आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज सवाल मेरे होंगे, जवाब रणदीप भाई साहब के होंगे, क्योंकि देखो कई आपके क्वेश्चन थे जो आज भी जहन में घूमे हैं, कमेंट्स हैं आपके, हर चीज़ का आज सवाल जवाब बिल्कुल करूँगा, बखूबी करूँगा, क्योंकि आज का सेशन स्पेशल आपके जो सवाल हैं हमेशा रणदीप सर से, वो सारी चीज़ क्लियर करूँगा आपके समक्ष। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी, और कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, सभी भाइयों को राम राम भाई, और स्वस्थ है? स्वस्थ है, एक नंबर है भाई, एक नंबर। चलो एक नंबर में रहना भी चाहिए, दो नंबर का तो कीमत चल रहा भी नहीं। देखो अपना एक तो पहली चीज तो ये है भाई, अपना ये मान के चलो खान पान बहुत बढ़िया है, मेन चीज ये है, सबसे बड़ी है, ज्यादा बाहर की तली फुली चीजें नहीं खानी, का खाना खाना, दूध दही घी, और भाई फ्रूट का शौकीन है, फ्रूट ड्राई फ्रूट। एक बात हो रहा है सर है कि रणदीप भाई साहब की उम्र कितनी होगी, जवाने लागे जा बूढ़े होते नहीं, बूढ़े खास है जवाने भाई, कितनी उम्र होगी? 26 साल का है। ठीक बात है भाई साहब, 26 साल के हो, चलो तरक्की भगवान ने बहुत दे दी, फिर भी चलो भाई लेडीजों की तरह थोड़ी आज उम्र छिपाई रणदीप भाई साहब ने, इस पर थोड़ा पर्दा डाला है बात पर आगे जो मेन अपनी बातें हैं उनको लेकर के जारी रहो। उम्र का तो भाई सबको पता है, देखो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखो बर्थडे था, उसमें भी पता चल जाता है, वैसे भी बिल्कुल देखो ठीक है, इंसान का जो फिजिक होता है, लुक होती है, वो अपनी अलग मैटर करती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि अपना 86 का डेट ऑफ बर्थ है, 12 साल शादी को जाएंगे, अच्छा, कोई बात नहीं है। चलो देखो 3 बच्चे हैं, सभी पूरा परिवार बिल्कुल आपको हमेशा बखूबी देखते हैं, देखो आप अच्छा उन्होंने टाइम भी देते हो, लगभग आप अपने काम धंधे को छोड़ देते हो, पर सिर्फ उसका यही कारण था कि एटमॉस्फेयर अच्छा मिलना चाहिए, बिल्कुल। और एक फिर उनको टाइमिंग भी देते हो सर, सबसे बड़ी बात तो भाई ये है कि देखो बिजनेस के लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर आज रात को बोल दिया जाए तो मैं 2 घंटे में 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो फिर सर आज के सेशन में कुल मिलाकर के जो पब्लिक के हमेशा क्वेश्चन रहे, देखो भाई देखो कड़वे सवाल भी होंगे, आप कैसे ही पूछो, देखो हमारा जो काम होता है, हम जो मान लो ये बना रहे हैं, जो चीज बातें कर रहे हैं या आगे पीछे भी करते हैं, मैं कोई भी चीज स्क्रिप्टेड नहीं करता ना, ये कि हाँ भाई आप ये मेरे से पूछना, मैं ये जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है। जो मन में आपके हो वो आप मेरे से पूछो, जो मेरे मन में होगा जनता को सही लगे गलत लगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे मन में है बात है वही बोलूंगा भाई। तो भाई लगातार वीडियो तो बने रही हो सर, थोड़ा बैठ जाओ, आपका झूला अभी रणदीप भाई साहब का जो भी फार्म था भाई ऊपर, तो मैं एक बार कहूंगा भाई जी कि भाई ऊपर तो ये पूरा जो फार्म की लोकेशन है रणदीप भाई की, बिल्कुल एक मेहनत करके और एक अच्छी तरह अपना मुकाम हासिल किया है। तो आज के जो भी सवालात रहेंगे रणदीप भाई साहब, सबसे पहली बात आवे है कि रणदीप भाई साहब ने आज तक कमाया कितना है जो इतना बड़ा सेटअप खड़ा कर दिया। भाई देखो कमाया तो देखो बहुत कुछ है, अब उस चीज के लिए तो क्या बताएं, क्या क्या चीज गिनाए, क्या प्लॉट गिनाए, क्या मकान गिनाए, क्या फार्म गिनाए भाई ठीक है। लेकिन ये है कि तो लगभग सर देखो आपको ऊपर बात आओ कि रणदीप सर कुछ ज्यादा कमावे हैं, ज्यादा कमाई नहीं भाई, ज्यादा मैं काम भी करता हूँ, काम भी करते। देखो आपने देखो ऐसा होता है अपने पास, एक तो ये मैं मान लो भैंस खरीदता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि हाँ भाई इसकी पेमेंट कहाँ से या ये चीज कहाँ से, ये चीज मैंने कभी नहीं सोची जैन में, क्यों, जिसका व्यवहार सही है उसका व्यापार सही है, बिल्कुल ठीक है।
व्यवहार कई तरीके का होता है, ये मतलब नहीं कि भैंस बिक गई तो पैसा आएगा तो हम आगे पैसा देंगे। व्यवहार अगर हमारा चल रहा है मार्केट से चाहे तो मेरे नाम से 2 करोड़ रुपए उठा ले, बिल्कुल देखो ठीक है, मैंने तो भी करी है ये चीज है। और कभी भी मैं किसी भी पशु से जी नहीं उतारता हूँ भाई, देना भी मन नहीं उतारता हूँ कभी भी, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ क्या पता किस पशु के नाम का कितना अपने पास आ जाए, ठीक है, क्या पता उसके पैर कदम कितने शुभ हो हमारे लिए, ठीक है, वो खा रही है उसकी आत्मा शांत हो रही है, हम उसकी अच्छी केयर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भाई भगवान वही वाली बात है यू करके दे रहा है अपने को, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई ये सोचे। दूसरी बात भाई मेहनत है अपनी, तीसरी बात भाई अपने जो क्वालिटी है जो IQ लेवल है वो सही रहता है, तनों का स्पेस देखना, यंग एनिमल देखना, सींग देखना, उसकी ब्रीड चेक करना, बहुत कई बार क्या होता है मैं ये सोचता हूँ इस ग्राहक को ये दूंगा, मैं उसको समझाने की भी कोशिश करता हूँ भाई ये चीज ले नहीं, चाहे ठंड जुड़े हुए हैं कुछ है उसको सुबह समझ में हाँ ये सही है, तो कई बार मैं सोचता हूँ लोग सही भेज जाते हैं वैसे लपेट जाते हैं उनके, ठीक है उनको यही नहीं पता अडल्टेड है मीडा है ठंड छोटा है बड़ा है ठंड झाड़ी वाला है कैसा है, अगर आगे की तरफ है पीछे की तरफ है, एक ठंड में दूध कम है ज्यादा है, नहीं उनको कोई मतलब नहीं भाई। देखो जिस भैंस का ठंड में दूध कम होगा झाड़ी वाला ठंड होगा टेढ़ा मेढ़ा ठंड होगा उसका ऑटोमेटिकली वो जो सही भैंस है अगर वही साफ तनों की सही होती तो उसका रेट है उसका 80-90 होता और उसका वो 1-20-18-15 की मिल जाए, बोल देते हैं जी करनाल तो इतनी सस्ती मिलती है भाई। देखो क्वालिटी और ब्रीड कभी भी सस्ती नहीं मिलती है, 0.1% चांस है जंगल में मंगल है कोई लुकी छुपी रह जाए ना पता हो बोड़ापन हो वो एक अलग चीज है, नहीं तो भाई जो और ये भी मैं महंगी नहीं कह सकता भैंसों को जो क्यों क्वालिटी है क्वालिटी हमेशा पे करनी पड़ेगी। पर आज तक सिर्फ यही सुना कि भाई जो रणदीप सर क्वालिटी ले सकते हैं और जो सेल कर सकते हैं और जो परख कर सकते हैं वो और किसी के बस की बात नहीं, बस जो जिनको अपना सहन नहीं होता भाई इसलिए बोल देते हैं बस उनको ये थोड़ी लेके खा रखे है फिर उनको ये बोलना कि भाई वो हेटर्स है भाई अपन वो तो भाई मेरे लिए हेटर्स नहीं है वो तो मेरे डियर डियर है डियर है बिल्कुल हाँ वो तो मेरे पास में गले लगा दे ठीक है तेरी वजह से। बहुत सारी चीजें तो ऐसे होती हैं भाई जो चीज हम खरीदना भी नहीं चाहते थे वो उन चक्करों में खरीदी गई है गुस्से गुस्से में ठीक है तो और उन्होंने अपने पास आके बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए है बहुत अच्छा नाम किया है हमारा तो मैं तो उनको भाई बहुत अच्छा इंसान बोलता हूँ और उनकी जरूरत है हमारे को बिल्कुल ठीक है। जब तक सब्जी में तड़का नहीं लगेगा स्वाद किस बात का बिल्कुल सर। तो इसके बाद सवाल आते हैं कि रणदीप भाई साहब ठगी का खाऊं है ठगी का खे यार ये तो कमेंट आंसर देख मैं अपनी उस पर जवाब नहीं कर रहा देखो कमेंट है लोगों के मन उनके जवाब देने थे आज नहीं नहीं ठगी किस चीज की हाँ तो वो फिर आप बताओ ना कि के सोच के कमेंट नहीं आप बता दो इसका ठगी का क्या मतलब है। देखो ठगी का मतलब भाई की कहीं से भैंस ले ली या किसी ग्राहक को धोखा दे दिया नहीं ग्राहक का धोखा नहीं होता भैंस लेने से क्या है मतलब है भैंस लेके पैसे नहीं दिए वो तो ठगी मैं मान सकता हूँ। हाँ तो फिर वो कमेंट जो कर रखे थे मैंने वो 2-4 नॉलेज में जो भी आज तक शायद को 20 वीडियो आ रही होगी आपकी मेरा चैनल ये जो है ना ये पंजाब में ठग या कुछ और ठग का मतलब ये हो जाता है इस लैंग्वेज का कि हाँ भाई बहुत पैसे कमाता है तो क्यों लेके जा रहा है भाई या और क्यों लेके जा रहे हैं क्वालिटी मिलेगी भाई मीठे पे मक्खी आएंगी हाँ ये तो अपना सर अपने को आज की डेट में ये सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ से मेरे पास पेमेंट आई कहाँ से मेरी भैंस बिकी कहाँ से क्या ना मैंने आज तक किसी ग्राहक को आज तक बुलाया आ जा भाई तू भैंस ले जा मेरे से बिल्कुल। तो दूसरी तीसरी 2 क्वेश्चन हो गए आपके क्लियर उसके बाद जो तीसरा सवाल है कि आपकी फैन फॉलोइंग और जो फील्ड के अंदर हैं जो सेलर हैं उनसे अलग हट करके आपसे निजी फैन मतलब जुड़े हुए हैं जो ऐसी क्या चीज़ है कि मतलब वो आपके फैन हो गए आपने भाई भी बनाया उनको और ऐसी क्या है कुछ थोड़ी मन क्लियर करोगे भाई क्यों औरों के फैन क्यों नहीं है आपके फैन क्यों माना आप मतलब? मेले में चलना मेरे साथ अभी मेले स्टार्ट हो जाएंगे मेले में चलना ठीक है। मैं कोई एक आम इंसान हूँ मैंने काम किया मैंने अपने लिए किया है ठीक है मैं अच्छी चीज लेके आया मैं अपने लिए लेके आया हूँ पहले उन्होंने जो खरीदी है वो बाद। तो फैन फॉलोइंग की बात की थी कि हर व्यापारी तय हट करके आपके अलग फैन क्यों हैं आपकी क्या चीज पसंद कर रहे हैं। देखो क्या होता है पहली चीज तो भाई जो हम काम कर रहे हैं उस चीज को पसंद करते हैं नंबर दूसरी चीज भाई व्यवहार होता है इंसान का ठीक है और जो चीज आज की डेट में मैंने बोल दी ना कि मान के चलो कोई पशु में कोई खराबी आ गई बीमारी आ गई वो एक अलग चीज है जो चीज बता दी कि आज भाई इसमें 18 किलो है
तो 19 मिल सकता है, 20 मिल सकता है, 1700-1900 नहीं मिलेगा। मतलब सच्चाई का काम किया इसके चलते, सच्चाई के। और फिक्स रेट का काम, एक बात बताओ ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई करके दिखाओ ना भाई, नहीं करता। ठीक है, तो देखो फिक्स रेट में पहले ही बोलता हूँ भाई, बाल्टी तब उठाना, आपके भैंस पसंद है और फिक्स रेट है। अब डेढ़ वाली के ढाई मांग ले, ये सोच ले ये दो की ले ले, ढाई की ले ले, सवा दो की ले ले, नहीं। अगर मेरी नजर में 1.5 लाख वाली भैंस 3 लाख की, तो मैं 3 लाख की बेचूंगा। अगर मेरी नजर में 1.5 लाख वाली भैंस अगर 1,10,000 की, तो मैं 1,10 की भी बेचता हूँ। ठीक है, नफा घटा ये तो दोनों देखो पहलू है व्यापार के, इस चीज में वो नहीं होता। और भैंस गांव से खरीद के गली में चलती है तो ये बता देती है कि यहाँ भाई ये प्रॉफिट वाली है या लॉस वाली है। वैसे भी एक और चीज है, गांव में से अगर मान ले आपकी गाड़ी भी दिखी ना और अच्छी क्वालिटी का पशुधन हो, कई तो ये सोचते हैं गई बगामत है। ये भी सोच रहते हैं। दूसरी बात हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जहाँ पे जैसे मान के चलो अगर मैं घुसा हुआ हूँ भैंस खरीदने के लिए, तो देखो बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई भी कहीं का भी कितने बड़ा कहीं व्यापारी आया हो, अपने पर टक्कर में नहीं आता। हाँ मतलब इनका पहले ही हो जाए भाई, भी इस गांव में जाएगा फायदा नहीं है। रणदीप मलिक क्वालिटी लेके इस जो चीज अगर अच्छी है तो लेके निकलेंगे, नहीं देखते बाहर आ जाएंगे देखते। और यही मेरी कोशिश रहती है ग्राहक को दिलवाने की। तो किसी भी गांव में घुस गए तो नहीं, मैं जो ग्राहक होता है ना, ग्राहक को भी मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, चाहे 10,000 महंगी ले ले, 15,000 महंगी ले ले, 10 लेने के लिए है 9 ले ले, लेकिन अच्छी ले ले, क्वालिटी ले ले। ग्राहक सिर्फ रेट रेट के चक्कर में पड़ा रहता है, रेट के चक्कर में मत पड़ो भाई। करनाल में ये मिल रहा है, मिंगनीखेड़ा में ये मिल रहा है, इधर ये मिल रहा है, उधर ये मिल रहा है, ये देखो सही चीज नहीं है। क्वालिटी तो पे करनी पड़ेगी, चाहे मेरे पास आ जाओ चाहे किसी और के पास आ जाओ। ठीक है, मैं एक मान के चलो व्यापारी हूँ, ठीक है, मैं चीज को खरीद के लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसके ऊपर लागत लगा रखी है, मेरे को पता है उसके अंदर क्या चीज है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ऐसी जगह हैं जो मान के चलो डेयरी फार्म तो बना रखी है उन्होंने, ठीक है, लेकिन भैंस जिस ग्राहक उसी की आगे बंधेगी वहां पे, ठीक है, उसको क्या पता अच्छी है माड़ी है, बाहर से दिलवाई छुट्टी। ठीक है, अगर हम बाहर से कसर आ जाती है, जैसे 6 भैंस मेरे से ले ली, 4 बाहर से लेनी है, ग्राहक का घूमने का मन होता है, ठीक है, तो भी तब भी मैं अच्छी चीज लेने देता हूँ। हल्की भैंस होती है तो मैं लेने नहीं देता, चाहे 10,000 चाहे मैं महंगी मिले, लेकिन दिलवाऊंगा अच्छी। ठीक है, तो भाई इसी वजह से आपके पास रिपीट ग्राहक है। हाँ, और दूसरी बात क्या है भाई, जो हम उनके साथ मान लो रहने का, खाने का, पीने का, बातचीत का, जो या जो हमारी नॉलेज है वो नॉलेज देते हैं, तो अगला उन चीजों को फॉलो करते हैं। ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, दुनिया अपनी मिल्किंग की फैन है, ठीक है, और मेरे पास जितने बंदे आते हैं वो बोलते हैं कि ये आपसे मतलब मिल्किंग देख के सीखे हैं, आपका डाइट प्लान देख के डाइट प्लान अच्छा लगा, मेरा डाइट प्लान तो और भी बहुत सारे हैं, कहता और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतना खर्चा बता देते हैं कि हाँ भाई हमारा तो मन ही नहीं रखता वैसे रखने का। ठीक है, जो सही चीज है वो बताओ, मैं आज 70 चीजें बता दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा, दूध क्यों नहीं बढ़ेगा, ठीक है, दूध हिमा भी बढ़ेगी, लेकिन वही वाली बात है, लेकिन वो चीज बताओ ना जो अफोर्डेबल चीज हो, जो डेली हाँ अपना पता है, चाहे हम कुछ भी खा ले पूरे दिन पेट भरेगा रोटी खा के। हाँ ये तो है सर बिल्कुल। ठीक है, जब और उसको अवॉइड करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और देखो भैया कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, क्योंकि आ गए रणदीप सर ने भी नहीं पता मैं क्या पूछूंगा, और ये मेरे साथ बिल्कुल जुड़ रहे हैं और अपने जो बातों क्लियर करने लग रहे हैं। तो उसके बाद आ है रणदीप सर ने आज से कितना बूस्टिंग यूज कर लिया, 16 किलो आज तक का इस चीज का। मैं भाई मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, कहीं पर भी ले जाके अपने से कोई भी, चाहे मैं अपने पूरे परिवार को चढ़ा दूंगा, ठीक है, आज तक मैंने ये काम नहीं किया। अगर मैं ये काम करता तो मेरे पास तो भाई सैकड़ों भैंसे आती हैं, हजारों भैंसे हाथ में से निकलती हैं, बाहर जाके दूध तुलवाती हैं, तो मैं नहीं तोल देता यार भैंस, मैं नहीं बेच देता उनको 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए की भैंसे, ठीक है। लेकिन मैंने आज तक ये काम किया ही नहीं, और अभी भी मेले में जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा, नेचुरल जो दूध होगा वही तुलवाएंगे। लेकिन ये चीज नहीं है, कभी भी मिल्किंग कराऊंगा सबसे पहले वो दिखा दो कैमरा मैन, वो मंदिर दिखा दे, वो सामने मंदिर दिखा दो, ठीक है, उसमें ये गुरुद्वारे में खड़े होके उसके बाद मिल्किंग कराने से पहले उसके बाद क्या कहते हैं मिल्किंग कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात होती है कसम की, कि भाई कसम है, मैं अपनी कसम तो खा लूंगा, मैं मेरी तेरे को भी दे दूंगा, लेकिन कसम पता क्या हो, कौन सी मान्यता किस, कौन सी कसम को दी जाती है, कौन सी कसम, कसम की मान्यता दी जाती है दूसरा खाए, तू मेरी चक्कर में मेरे कसम खाएगा ना, तो तू मेरे लिए गलत क्यों कसम खाएगा, मैं सही हूँ तू खा सकता है, ठीक है। तो वही वाली बात है भाई, ये चीज यूज नहीं की है, और इस चीज के लिए तो दुनिया अपने को भाई सलाम करती है कि हाँ भाई आप ये कैसे बनते हो जिसने यूज नहीं किया है, ठीक है।
और कोई अगर ए से लेके जेड तक एक भी कोई आदमी ऐसा निकल के आए कि हाँ भाई इसने ये लगा रखा था, तो उसको जो चाहे वो इनाम देंगे। तो देखो आप लोगों को भी पता है इस चीज का, तो आपने कोशिश जरूर किया है, लेकिन बताओ आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता सर, क्योंकि क्वालिटी ही चीज क्वालिटी इतने पैसे लगा के लेके आते हैं, ब्रीड लेके अगर ये 8-8, 7-7 किलो देंगे, 4-4 लाख की, 3.5-3 लाख की लगा के, फिर मेरे से बैस कौन खरीदेगा भाई? फिर कौन खरीदेगा? फिर ये तो जो खरीदे वो बिकवा देगा, तो कितना कमा लिया वो कमाया हुआ चला जाएगा। तो देखो एक आपने इज्जत कमाई है, हाँ, क्योंकि जहाँ भी निकला हाँ शायद आपके साथ एक दो बार मिलने का मौका मिला, हरियाणा के बड़े बड़े धुरंधर हैं जो, उनसे भी मतलब आपकी मुलाकात है, फिर भी एक जो सेंस के अंदर रहना, इतनी एक गोनी दिखाना, शायद यही आपको अलग करके। बात की मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए कर रहा हूँ, मैं ये बोलूँ भाई मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, पहला मैं अपना आप देखता हूँ, उसके बाद जनता देखी जाती है ना, मैं सही हूँ तो जनता ऑटोमेटिकली सही है, मानते हो नहीं मानते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत लोग बोलते हैं भाई मैंने लोगों के लिए ये कर दिया, लोगों के लिए अगर मैं फ्री में दूं तो फिर तो मैं बोलूं कि हाँ भाई मैंने कर दिया, फिर तो सही है, ठीक है। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं फौजी भाइयों के लिए या उनके लिए कोई पैसा नहीं, कोई कमीशन नहीं, जो आदमी ये बात बोलता है ना, ला भाई मेरे को ले चल उसके पास, अब मेरे को पता ही मैं जोटी कौन सी कहाँ से क्या निकल रही है, ले मैं फौजी ना ले जाऊंगा, ठीक है, अगर वो दे दे तो ठीक है, ये कहने में सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती है, ठीक है, लोग घूम रहा होते हैं वाह सर ने बहुत अच्छी बात कही, ऐसी चीज नहीं है, वही कामयाब होगी बात जो इंसान सच्चाई के साथ और जो सही चीज है वही तो सबको पता, सभी अनाज खाते हैं, सबको पता, कोई नहीं देता, ठीक है, अगर कोई कह रहा है मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ तो वो बीच में रख रहा होगा, अरे जो घाटा कर रही है वो 1 लाख का कर रही है, कौन बंटवाने के लिए आएगा, 50 भैंसों में पूरा होगा, कैसे करेगा भाई तू, कैसे जीवी क्या चलाएगी, ठीक है, कैसे चलाएगा, ठीक है, ये सभी झूठी बातें हैं भाई, जो चीज जैसी होती है उस हिसाब से बिकती है, और जो खरीदार है उसको भली भांति सभी नॉलेज है, वो पैसे लगा रहा है तो सारा पता है, हाँ उसको बिठा के या बांध के अगर पैसे लूटे हो ना तो मैं ये मानूंगा कि हाँ भाई यार मतलब चोरी कर ली, ठगी कर ली उसके साथ, लेकिन ये चोरी ठगी नहीं होती, ये व्यापार है, व्यापार हम बेच रहे हैं, अगला खरीद रहा है। तो इसके बाद बात आती है सर कि कुल मिला ये मान लो कि आज तक हर एक यूट्यूब चैनल पर आपकी वीडियो, हाँ, अब कुल मिला करके जो सभी अच्छा काम कर रहे हैं देखो, हाँ, अपने अपने फील्ड में, हाँ, बात आओ कि अजय बिंद्रोली तो वीडियो क्यों नहीं बनवाता सर, ये कौन मैं? हाँ ऐसा नहीं है, अजय बिंद्रोली से भी मैं वीडियो मैंने बनवाई है, ठीक है, सबसे पहली वीडियो ही उसने मेरी बनाई थी, ठीक है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, ठीक है, मैंने ही चाहे ये क्यों मैं मिलावटी बात नहीं करता, चाहे वो भाई सुनेगा तो वो अभी देख लेगा, ठीक है, मैंने ही उसको बोला था, मैं कहा भाई पूरा मेहनत करते हो, गाड़ी में आते हो, गाड़ी में जाते हो, अपना तेल पानी का खर्चा लिया करो, सबसे पहले 2000 का नोट मैंने निकाल के दिया था उसको, उस टाइम पे 2000 के नोट चलते थे, मैं कहा मैंने शुरुआत कर दी भाई, यूट्यूब से इतना नहीं आता, बोल देते यूट्यूब से, यूट्यूब से आता है मिलियनों में, वो हो गए मिलियंस में वीडियो चल रही है, उसके बाद आता है 10,000, 20,000, 30,000 चल गई, ठीक है, तूने बता भाई ने यूट्यूब से कितना पैसा कमा लिया, ठीक है, तू अपना दिन दे रहा है, ठीक है, दिहाड़ीदार मजदूर आपसे ज्यादा कमाता है, ये तो है सर देखो, ठीक है, इसमें तो सिर्फ ये एक ही चीज है कि आदमी कमा रहा है, ठीक है, अब मैं मेरे को कोई काम नहीं करवाना है, आप मेरे को लेके जा रहे हो एक दिन के लिए कहीं पे भी या कुछ हो रहा है, तो बिना पैसे के तो यार कोई भी ठीक है यार दोस्तों, तो कोई कहीं जाओ, आपका काम है फील्ड, मैं लगातार आपको कहूँ आ जा तो तेल बुक के आ रहा है ढोल से, ठीक है, टाइम दे रहा है, अपना काम छोड़ रहा है, अपनी पैसे छोड़ रहा है, अपना घर का घरेलू काम छोड़ रहा है, ठीक है, किस लिए आ रहा है भाई, ठीक है, ये कहने में बड़ी सुंदर बातें लगती है, हाँ आप एक अच्छे प्रोफेशन पे हो, आपका एक वीडियो बनाने का शौक है, आप अपने शौक को पूरा करने के लिए आपकी सैलरी आ रही है, अगर आप नहीं ले रहे हो तो ये बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो भाई जीविका चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, हाँ, और चाहे आप मेरी बना रहे हो चाहे किसी और की बना रहे हो, आपको 200 किलोमीटर दूर से भी बुला लेते हैं, 100 किलोमीटर से भी बुला रहे हैं, 50 किलोमीटर से भी बुला रहे हैं, 2 किलोमीटर से भी बुला रहे हैं, ठीक है, तो आप 200 किलोमीटर जा रहे हो तो उसका खर्चा देखो भाई आपका कितना हो रहा है, ठीक है, तो पैसे लेने में पैसे मांगने में कोई हर्जा ही नहीं है, तो यही चीज अजय बिंद्रोली के साथ थी, आपने जो पूछा अजय बिंद्रोली ने सीधा मेरे को एक ही बात बोली,
वीडियो की कोई दिक्कत नहीं, ईगो नहीं आनी चाहिए आदमी में। मेरे को उसके अंदर ईगो झलकी थी, ठीक है, रुपए लगेंगे 5,000 वीडियो बनवा ले बेशक, ठीक है। तो जब आदमी अपना मानता है, अपना वो कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा 5,000 वाली कोई बात नहीं, मैं यार और यूट्यूबर है, सुरेंद्र संजनेवाल है, मंजीत यादव है, संदीप है, सबको देता हूँ मैं यार, पे करता हूँ मैं अपने, ठीक है। लेकिन एक चीज मेरी आज तक की खासियत रही है, मैंने किसी भी वीडियो में किसी भी यूट्यूबर को ये नहीं बोला भाई तूने ये बोलना है या वो बोलना, स्क्रिप्टेड चीज नहीं है, आप बता दो कोई भी चीज स्क्रिप्टेड है, जैसे कि आप बैठे हैं आप कौन सी स्क्रिप्टेड चीज है, ये भी नहीं है, उनको भी नहीं बोला, वैसे दिखाई है कुछ नहीं, ना मैंने आज तक ग्राहक को कभी ये बोला कि हाँ भाई आप ये बात बोलो वो बोलो, जितने की खरीदी है वो बोल भाई। एक ग्राहक आया मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि देखो मैंने किसी के पेट पे लात नहीं मारनी है, और ये चीज जगह अगर हम मेरी जुबान से निकल गई ना तो ये मान के चलो उसके धंधे के ऊपर मैं पूरा असर पड़ गया, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, एक ग्राहक आया मेरे पास, उसने मेरे से 2 लोट लिए, बहुत अच्छा ग्राहक था, मेरे से बातचीत होती रहती है, तो उसने बोला रणदीप भाई, मैं कहा, कहता ये हम लोट लेके गए थे, देखो वीडियो देखो, उसने वीडियो दिखाई, कहता ये 92,000 की भैंस दिखा रखी है, मैं कहा हाँ, कहता ये भैंस डेयरी मालिक ने बोला कि आपने तो भैंस खरीद रखी है, आपने पैसे भी दे रखे हैं, ठीक है, मेरे पास और ग्राहक आ जाएंगे इन भैंसों को देख के, ये भैंस मैंने खरीद रखी है 1,35,000 की, उसने मेरे से बुलाया भाई 92,000 की ले रखी है, 92,000 की बोलो यार, इसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें उसका फायदा क्या यार 92,000 की बुला रहा है, फिर वो जब दिलवाएगा कहता वो सोचते हाँ कहाँ से निकलेंगे, कहता उनके पास घर पे कोई भैंस नहीं होती, वो गांव में घुमा घुमा के गोड्डे तोड़ देते हैं उनके, पीछे पीछे मैं कहते हैं यार ले ले ये 125 ले ले ये 150 ले ले, उसी बात पे आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने की इच्छा हो रही है लेकिन लूंगा नहीं, किसी भी हाल में जो भाई देख रहा होगा सुन रहा होगा वो समझ भी जाएगा, तो भाई ये चीज ना करो। अगर मैंने 5 लाख की भैंस बेची है, 2 लाख की खरीदी, तो मैंने बताइए 2 लाख की खरीदी, 5 की बेचूंगा, अगर मैंने 5 लाख की खरीद रखी है मैं ये बताऊंगा 1.5 लाख की दे रहा हूँ, इसने तो मेरे सही फिट नहीं बैठी, भैंस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो 1.5 की बेच रहा हूँ, तो 1.5 की ले जा। तो ये चीज कोई लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये इतने कमा रहा है या वो है, वो तो चीज है भाई, जितनी ये मेहनत है हमारी, ठीक है। हाँ किसी चोर से ठग से भैंस हम नहीं खरीदते, इसमें चोर ठगी का मतलब आ गया कोई लाके 1 लाख की लाके 40,000 की बेच रहा है, 60,000 की बेच रहा है, अंधेरे में उतर है, उससे मैंने कभी भैंस नहीं ली, ना मैं लूंगा, ठीक है। अपनी मेहनत से जो भैंस ने अच्छा परफॉर्म किया, भैंस ने अच्छा दूध दिया, अच्छी मैंने डाइट डाली, मैंने उसकी नस्ल को परखा, ठीक है, मैंने उसको तलाशा, वो एक मेरी मेहनत है, ठीक है। ये काम भाई ऐसे ही कारोबार नहीं हुआ, चोरी ठगी से नहीं हुआ, हुआ ये इज्जत का कारोबार है, बिल्कुल। उसके बाद बात आती है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बातें बहुत है, कितनी भी कर लो इस फील्ड से जुड़ेगी, कुल मिला के एक बात और आती है कि रणदीप सिर व्यापारी है, ब्रीडिंग का इसको कोई नॉलेज नहीं, ये तो किसी ने भी नहीं बोला, नहीं पिछली वीडियो पर कमेंट था सर, मैंने मेंशन किया था कि ये सिर्फ सेलर है, ये ब्रीडर नहीं है, उसको नहीं पता ना इस बात का, जितने उसके गांव में इतने तो मेरे पास वैसे ही होंगे, है या नहीं है, है सर बिल्कुल, आपने तो देखी है अभी भी, ये तो देखो एक चीज बताओ, एक आध आदमी है यार वो कह देता है, मजा आता है यार अपने को भी, क्या बात हो गई भाई, उसने कह दिया, उसके मन में ये डाउट था, या उसने जान करके लिख दिया, या उसने वैसे मेरे को नीचा दिखाने की जरूरत है, मैं उससे ना चौदह नीचा देखा जाऊंगा ना कुछ, और भाई ब्रीडर क्यों नहीं है, ब्रीडर का क्या काम होता है, पिछली वीडियो में आपकी टोटली ब्रीडिंग दिखाई थी, तो शायद जो बुल दिखा था, तो मेरे हिसाब से ये आंखों के सामने मेरा आया भी नहीं आज तक ऐसा, ठीक है, देखो भी मौका मिला था, अलग बात है, हाँ देखो ऐसा है ब्रीडिंग ही है भाई, ये जो हम भैंसों को रोक रहे हैं, उस साल तो मैं 50 भैंस तो अलग से डाल रहा हूँ, 50 भैंस कम से कम भी, कम से कम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एवरेज की बात बता रहा हूँ, कोई सस्ती मिलेगी कोई महंगी, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की भैंस से 50 भैंस, 1.5 से 2 करोड़ की एवरेज, 3-3.5 लाख की भैंस में कोई 5 लाख की भी, 3 की 3.5 की 2.5 की ब्रीडिंग के लिए मैं इस बार इकट्ठी कर रहा हूँ, 19 भैंस तो मैं अपने फार्म पे डाल दिए 1-1.5 महीने के अंदर अंदर में, ठीक है। तो फिर उन्हीं भैंसों को मेड़ों में ले जाना, उन्हीं भैंसों से काम करना, मेड़ों में कोई हमारे को कुछ ज्यादा लालच थोड़ी है कि हाँ भाई बहुत बड़े इनाम है या इनाम मिलेगा ही मिलेगा या जरूरी है, सिर्फ हम मेले में जाते हैं अपनी मतलब उसके लिए अप्रिसिएशन के लिए, हाँ भी बहुत अच्छी चीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमारे को मतलब नहीं है, ठीक है। और एक मिलतवारी के लिए जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारा 1.5-2 लाख रुपए का तो खर्चा है यार, कहीं तंबुओं का, कहीं किसी चीज का, ठीक बात है यार, गलत बात है। तो भाई तो और कुछ रहेगा नहीं, और कुछ नहीं, बस मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई, ये जो फोन करते ना चाहे कितना ही समझा लो, ठीक है, वही बात बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, भैंस के बीन आगे बीन बजाने से तो फायदा हो जाता है, ठीक है, वो अपने को तालाब में जाती है, कभी भैंस तो अपने भैया को ऐसी पकड़ती है, एक बार बोलेगा 1 मिनट में आ जाएगी, ठीक है।
वो लोग एक बात नहीं समझते, वो बोलते हैं 15 किलो वाली कितने की मिलेगी, 12 वाली कितने की मिलेगी, 12 वाली भी दे दूंगा मैं सस्ती उसको, 15 किलो वाली भी दे दूंगा। अगर वो सिर्फ दूध दूध देख रहा होगा, रेट मेरा है, भैंस चाहे लंगड़ी है, लूली है, टूंडी है, पुंडी है, लीटर लीटर पूछा उसने ये कंडीशन की, तो वो नहीं लगाई यार, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है, इस चीज को तो उठाओ मत। सुनो भाई, आगे चल करके बजे करण दी भाई हमेशा क्लियर करें कि भाई रेट के मामले में मत बात उठा करो कि भाई 15 किलो वाली कितना मिलेगी, जो क्वालिटी को परखता है, चीज को परखता है, उसको रेट का बखूबी पता होता है। जिसको खरीदनी होती है ना भैंस, जो खरीदार होता है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है, ये जो ना खरीदने वाले ना वो क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल सबको पता है भाई चीज, वही वाली बात है। गुड़गांव का मेरा व्यापारी था, वो बोलता था भाई जुटिया दूध तो लुटिया में निकलेगा, जोटी लेता था 2.5-3 लाख की एक एक लुटिया में, धार मार मार के लेता था, कहता भाई जुटिया दूध तो लुटिया में निकलेगा, मतलब क्वालिटी परखा था वो, क्वालिटी रखता था, शौक है ये। कुत्ते देखे तूने, देसी दुनिया भर की घूमे है बेचारे, ठीक है, कोई आसरा नहीं देता, कोई रोटी डाल के नहीं, ये अगर आज तूने एक बुड़की डाल दी ना, एक बिस्कुट का एक बिस्कुट कितना होता है, कुत्ते को कितना खाने के लिए चाहिए, उसके बाद भी वो भी बेचारा पूरी रखवाली करेगा, भाव 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 करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है, ये लोग 10-10 लाख रुपए की पिल्ले लेके आ रहे हैं, उनको खिलाने के लिए भी अच्छा चाहिए, डेली का 2000 का खर्चा, नौकर, उनकी वैक्सीनेशन, इतने दुनिया चौक का कोई मोल नहीं, कहने का मतलब ये है, घोड़ा 60,000 का भी आता है, घोड़ा 6 लाख का भी आता है, 60 लाख का भी आता है, 6 करोड़ का भी आता है, ठीक है, करना क्या है, टुकड़ 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 क्या करना है, लेकिन शौक है, ब्रीड है, ब्रीड है भाई, ब्रीड का पैसा होता है। तो भाई आज की वीडियो में जितने भी देखो कुछ रह गई हूँ बात, तो कभी फिर मौका मिलेगा रणदीप भाई साहब से बात करने का, और मैं तो उम्मीद करूँ आज की वीडियो बहुत खास होगी, तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, और जिस भाई ने मतलब ये लगा कि भाई मेरे ऊपर बात मारी है रणदीप ने, पर मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, जो चीज थी वो स्पष्ट भाई मैंने तो ये नहीं बोला, ये क्वेश्चन आपने शुरू वाले एक दो किए, ठीक है, सुनने में तो देखो खराब लगे, लेकिन अपने को क्या मतलब पड़ता है भाई, ठीक है, देखो सर तो, हाँ, अगर नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सुनने में खराब लगे, लेकिन वो सही है, ठीक है, तो क्यों, किस लिए, क्यों, कैसे, ये तो देखो ऐसा है भाई, दुनिया है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है, लेकिन जहाँ से हम निकलते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी और ईगो वाली बात नहीं करता, ठीक है, एमएलए एमपीओं की कदर नहीं होती जितनी अपनी कदर है मार्केट में, ठीक है, तो सर मेरे तो कुछ गलती हुई नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं, तेरा काम है भाई, तू पूछ, तो देखो मैंने तो पब्लिक है, मैं आप मेरे से ज्यादा जुड़े हुए हो, पर मेरा फिर भी यही रहता है कि भाई पब्लिक, पता क्या बात है, अपनी वीडियो कितनी है भाई, जब मैंने वीडियो बनानी चालू की थी, लोग आज की डेट में तो कुत्तियों की भी वीडियो बनाने लगे, कौन वीडियो बनाता था, ठीक है, तो भाई हमने कोई भी चीज है मोटिवेशनल काम किया है, लोग सोचते थे कैसे बिकेंगी, मैं देखो कैसे बिकनी है, आप भी जा रहे हो, कितने यूट्यूबर हो गए, यूट्यूबर कितने थे, 2-3 गिनती जुनती के यूट्यूबर थे, ठीक है, आज उनके वैसे सब्सक्राइबर मिलियंस में भी हैं सारी चीजें, लेकिन अब आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी उनसे भी ज्यादा वीडियो चल रही है, ठीक है, सर देखो मैंने ये मेहनत का है, मेहनत कर भाई, ठीक है, तेरे को भी कहने लग जाएंगे, ये एक क्वेश्चन आपने किया था मेरे चोर वाला, तेरे को भी बोलेंगे, तू एक काम कर, एक वीडियो के 5,000 मांग किसी से, कहेंगे चोर है साला, बोलेंगे बिल्कुल, तू बता उसका क्या उठा लाया, उसका कुछ उठा क्या, नहीं उसका कुछ नहीं उठाया, उसने तेरे से पूछा, तूने बोला भाई 200 किलोमीटर पड़ता है, 5,000 का तो हक है, 2,000 का खर्चा करेगा, शरीर को तोड़ेगा, टाइम को देगा, 5,000 का खर्चा है, 2,000 बचने तेरे को, तो अगर तूने 5,000 मांग लिया, तेरे को गया सारा चोर है, ठीक है, वो चोर वाली बात थी ना, वो अपने से लागू कर लियो, ठीक है, तो भाई बहुत बढ़िया प्यार देने लग रहे चैनल ने भी और रणदीप भाई साहब ने और मन ने भी, तो आशा करूँ हूँ आज हमारे तो सही होगी थे भाई, पीछे बैकग्राउंड में काम किया जिन्हें, इसको एक बार बराबरी है भाई कि अच्छा काम इन्होंने आज मेरे को करके दिया भाई, नाम ले लेता हूँ भाई, प्रदीप भाई थे मेरे बैकग्राउंड में, तो उम्मीद करूँ इन भी जितने प्रोजेक्ट आगे आने वाले हैं मेरे से संबंधित हैं, मेरे यूट्यूब पार्टनर हैं भाई, मेरे पार्टनर तो के हैं, साथ में काम कर रहा तो मज़ा भी आवे, तो सभी पशुपालक साथियों को राम राम है, नमस्कार, सत श्री अकाल है।